तो दोस्तों हम आ चुके अपने दूसरे रिव्यू के साथ और हम बात करने वाले हैं इस किताब के बारे में जिसका नाम है डोंट शट अप। दिस बुक इज लाइक अ टूल किट। घर में टूल किट्स होती है ना कि हथौड़ा भी रखा है और स्क्रू ड्राइवर भी रखा है और तुम्हें जब जो चाहिए होता है वो निकालते हो, ये किताब ना वैसी है। तो कम्युनिकेशन का पिनिकल, उस पर हम बात करने वाले हैं इसमें ऐसा क्या है और क्यों मैं इतनी तारीफ कर रहा हूं कि मैंने एक रिव्यू ही बना दिया। तो ये किताब क्या है यार, दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा लिखा है प्रखर ने, एक हिस्सा लिखा है मुदित ने। अब प्रखर बात कर रहा है कॉलेज स्कूल हर तरीके के स्टूडेंट्स का, जो भी दिक्कतें हमारी एक यूजुअल लाइफ में आती है। कैसी दिक्कतें आते हैं कम्युनिकेशन के, यार घर वालों से कैसे बात करें, डेट से कैसे पूछें, दोस्त कैसे बनाएं, एक पार्टी में जाके कैसे लोगों से बात करें। ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रखर ने लिखे और उनको आंसर करें, ठीक है। दूसरी तरफ मुदित ने आंसर करें ग्रोन अप्स के लिए सवाल कि यार हाउ टू टॉक टू पावरफुल पीपल, कोल्ड ईमेल कैसे लिखूं, इंटरव्यू कैसे क्लियर करूं, स्टोरी टेलिंग कैसे करूं। तो हर तरीके के इंसान को इन्होंने एक तरह से कवर करने की कोशिश करी है, दोनों सेगमेंट्स के लोगों को। अब दूसरी बेस्ट चीज इस पूरी किताब में क्या थी कि यार ये ना जनरली लोग ना सिर्फ एक अपने नजरिए से चीजें लिख देते हैं, यहां पे इट्स नॉट जस्ट देयर पॉइंट ऑफ व्यू और व्हाट दे हैव सीन, दिस इज बैक्ड बाय साइकोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ हाउ पीपल थिंक and by a lot of trial and error methods की studies जो हुई हैं, उसके बाद कि आपने एक assumption निकाला, एक hypothesis निकाली, उसके बाद आपने देखा ऐसा क्यों है, उस पे trial and error methods करे और फिर निकल के आया कि अच्छा ये trait एक normal 99.99% humans में होता है, उसको हमने यहाँ पे break down करा। तो ये एक बहुत ही crazy बात थी। तो अब बात कर लेते हैं इस किताब के अंदर क्या क्या हो रहा है। तो यार कितने, मेरे ख्याल से इसमें 23 कुछ chapters हैं, 23 chapters, जिसमें 13 chapters हैं पहले वाले section में और 10 chapters हैं अगले section में। अब बातें बहुत सारी हैं, बट हम उठाने वाले हैं 6 बातें जो हमें बहुत अच्छी लगी, 4 बातें पहले section से, 2 बातें सेकंड सेक्शन से। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑब्वियस थिंग कि यार दोस्त कैसे बनाएं। अब दोस्त बनाने पे ना ही टॉक्ड अबाउट अ कांसेप्ट कॉल्ड शेयरिंग रियलिटी। शेयरिंग रियलिटी में क्या हो रहा है कि यार मेरे आसपास जब मैं किसी इंसान से मिलता हूँ ना, तो बात करते टाइम मुझे ना एक रियलिटी शेयर करनी होती है, और रियलिटी 3 तरीके की होती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अब सीन क्या है, पास्ट रियलिटी का मतलब ये है कि मैं किसी से मिलता हूँ और मैं ना पुरानी बातों को रिलेट कर पा रहा हूँ कि अरे यार तूने वहाँ के मोमोज खाए हैं, यार क्या मजा आ गया, तूने गेड़ी मारी है, तू पकड़ा गया है, तूने ये करा है, तूने वो करा। जब हम ये बातें किसी से करते हैं और वो बंदा अपनी लाइफ को भी इमेजिन करके सेम चीज सोच पाता है कि अच्छा मैंने भी ये किया था, अच्छा इसने भी ये किया, तो हमारा एक पास्ट का बॉन्ड बनता है और हमें लगता है हमने सेम लाइफ जी है, तो हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी रियलिटी क्या है, फ्यूचर रियलिटी, कि आप इंसान के साथ एक एम्बिशन शेयर करते हो, एक ड्राइव शेयर करते हो, एक फ्यूचर शेयर करते हो, ठीक है। जैसे एम्बिशन वाला एक बहुत ईजी हो जाता है, या फिर आप दूसरा सोचो शादी वाला। लेट्स से मेरे कॉलेज में लड़का था, उसका बहुत क्लियर था, कॉलेज खत्म होते ही उसने शादी करनी थी, उसे एक और लड़का मिला जिसका सेम सीन था। तो इन दोनों की बातें बहुत अच्छी हुई, बिकॉज दे बोथ वर लुकिंग टू शेयर फ्यूचर रियलिटीज। तो सेम बात है, क्योंकि वो मेरे से बात करेगा अगर शादी की, तो मैं कहूंगा यार क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, बट ये दोनों कर पाए। तो आपको अपना फ्यूचर अगर आप शेयर कर पाते हो तो दोस्ती बन पाती है। अगर आप कह रहे हो शिवांश दोनों ही नहीं हो रहा है, अब क्या करूं मैं, तो ही टॉक्ड अबाउट अ थर्ड रियलिटी विच इज प्रेजेंट। कि यार सोच के देखो, तुम किसी नए इंसान से मिल रहे हो, तुम क्या इमोशन उससे ड्राइव करना चाहोगे, वुड यू वांट अ वाइब जहां पे तुम्हें ऐसा लगे ये बंदा मुझे पसंद नहीं करता, या बहुत ही बेकार गुस्से वाली वाइब, चिल्लाने वाली, गालियां देने वाली, या फिर यू वुड एक्सपेक्ट अ वाइब जहां पे तुम्हें खुशी मिल सके, जो भी तुम्हारी खुशी है, कि वो इंसान एक ऐसी पॉजिटिविटी के आ सके कि तुम्हें लगे यार मजा आ गया इस इंसान से मिलकर। तो दैट इज द कोर इमोशन दैट यू कैन गिफ्ट टू समवन व्हेन यू आर मीटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम और व्हेन यू वांट टू मेक फ्रेंड्स। सेकंड थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट हाउ टू आस्क समवन आउट, एक मार्केट में कंसेप्शन ऐसा है कि यार लड़कियों के लिए तो ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी, डिमांड सप्लाई का सिंपल गेम है। तो बहुत सारी इसमें बातें हैं कि चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, हाउ डू यू अप्रोच समवन, हाउ डू यू आस्क समवन आउट। एक लाइन मुझे इसमें बहुत प्यारी लगी, फॉर मेन सेक्स इज चीप, फॉर वुमेन सेक्स इज एक्सपेंसिव। पॉज करो एक सेकंड के लिए और सोचो तुम्हें क्या लगा, एक बार कमेंट में बताओ तुम क्या सोच रहे हो इस पे। बट क्योंकि प्रखर का पॉइंट बहुत ही एप्ट था इसमें कि यार बहुत सिंपल है, गाइज हैव एन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ स्पर्म, नियर इनफिनाइट, और दूसरी चीज लड़कों को 9 महीने की प्रेगनेंसी के थ्रू नहीं जाना। वेर एन वेन यू टॉक अबाउट गर्ल्स, दे हैव लिमिटेड सप्लाई ऑफ एग्स एंड अ लॉन्ग प्रेगनेंसी एंड अ पोस्ट प्रेगनेंसी पीरियड टू वरी अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेक्स। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यार एक चीज जो दोनों को इक्वली शायद पसंद है, और उसके कॉन्सिक्वेंस दोनों के लिए बहुत अलग है, तो दोनों उस चीज को ना बहुत अलग तरीके से देख। इसीलिए जब हम बात करते हैं कि यार लड़के बहुत इजीली फिसल जा रहे हैं, लड़के हमेशा इसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि लड़कों को कॉन्सिक्वेंसेस से शायद डील नहीं करना। ये चीज इंपॉर्टेंट क्यों है, व्हेन यू आर आस्किंग समवन आउट, इट बेसिकली हेल्प्स यू अंडरस्टैंड वेयर द अदर पर्सन इज कमिंग फ्रॉम, ताकि तुम अपने कन्वर्सेशंस को, अपने थॉट्स को उस तरीके से मोल्ड कर पाते हो, तुम सामने वाले को ज्यादा समझ पाते हो, और अल्टीमेटली सामने वाले इंसान को क्या चाहिए कि तुम उसे समझ पाओ। एंड ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स, जिसमें मेन प्रेमिस ये है कि तुम्हें पहले तो एक्शन लेना शुरू करना पड़ेगा, तुम सिर्फ मन में सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। आई विल आस्क समवन आउट और वो रिजेक्ट भी हो सकता हूं। और बीच में एक पॉइंट है जेन्युइनिटी का, कि तुम जितना जेन्युइन दिखोगे कि यार मैं बस कन्वर्सेशन करने आया हूं, आई जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर, जितना जेन्युइन दिखोगे उतना ही काम इजी होगा तुम्हारा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट थिंग, पार्टी में पहुंच गए शिवांश, पर अब मजे कैसे करें, बोरिंग पार्टी है, और खासकर मैं तो पीता भी नहीं हूं, मैं तो कोई नशे भी नहीं करता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं लोगों के बीच में फिट नहीं हो पा रहा हूं। अगर ये भी तुम्हें लगता, तो अगेन बहुत बढ़िया चैप्टर है, बट एक चीज इसमें है
जिसमें ये बात करी हुई यार कि 99% जो तुम्हारा मूड है ना वो पार्टी पे नहीं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है। जिसका मतलब इट टॉक्स अबाउट टेकिंग ओनरशिप। व्हाट इट सिंपली मींस कि तुम एक पार्टी में पहुंचो और तुम कह रहे हो यार ये तो बोरिंग पार्टी। ऐसा नहीं होता है। तुम बोरिंग पार्टी में भी खुश हो सकते हो और तुम बहुत क्रेजी पार्टी में भी बोर हो सकते हो। तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस माइंडसेट से गए हो और तुम अपनी खुशी को डिफाइन कैसे करते हो। ठीक है, अब तुम कह रहे हो कि शिवांश ठीक है ये मान लिया, बट अगर पार्टी ही बोरिंग है मैं कितना भी हाइप्ड अप चले जाऊं क्या होगा। देख दोस्त, अगर पार्टी बोरिंग है, सोच पार्टी में क्या हो रहा है। हर कोई यही सोच रहा है कि यार कोई मजे क्यों नहीं कर रहा, कोई ये बातें क्यों नहीं कर रहा। हर किसी के दिमाग में यही चल रहा है ना, बट सबके अंदर फटी पड़ी है। मैं कैसे शुरू करूं, मैं किसी को नहीं जानता, लोगों ने अगर हंस के रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या होगा। तो कैन यू बी द वन हु ब्रेक दोस चेंज एंड कैन यू बी द वन हु ब्रिंग एवरीवन टुगेदर। तुमने देखा है ना कि लोगों को जब हम डांस चल रहा है तो कई लोग होते हैं जो वेट कर रहे होते हैं यार मैं नहीं करूंगा मैं नहीं करूंगा, फिर कोई खींच के उन्हें लेके जाता है तो नाचने लग जाते हैं। और ऐसे फिर ना हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह होता है, एक के बाद दूसरा दूसरा तीसरा सब लोग खड़े होते चले जाते हैं। तो कैन वी बी दैट पर्सन हु ब्रिंग्स एवरीवन टुगेदर कि अरे चलो यार पार्टी करेंगे मजा करेंगे साथ में, वो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल, मेरी लाइफ में भी हुआ। मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ पहुंचे करीब 6-8-10 लोग थे, कोई किसी को नहीं जानता है। सब लोग बस मतलब मेरे थ्रू कुछ लोग कनेक्टेड थे आपस में। तो लड़कियाँ ये सोच के आई थी कि यार लड़के पता नहीं कैसे होंगे, नए पहली बार मिल रहे हैं, आधे घंटे में निकल जाएंगे बेकार पकाया। तो लड़के सोच रहे हैं यार सुंदर लड़कियाँ, फालतू का एटीट्यूड होगा, अपना लड़के हम चिल कर देंगे, सिंपल ये चल रहा है। अब पहुंच गए सारे। अब मैंने कहा यार ऐसे तो नहीं कर पाएंगे, चिल क्या कर सकते हैं। मैंने ना चश्मा पहन रखा था और मेरे को ना इंस्टाग्राम रील्स याद आ गई, वो आजकल जो बहुत चल रही थी, जिसमें चश्मे पे शायद फक ऑफ लिखा होता है या शट अप कुछ लिखा होता है और लोग पहन रहे होते हैं। तो मैंने एक क्लब के अंदर एक सनग्लासेस पहन रखे, मैंने वो निकाले और एक लड़के को पहनाए, मैंने कहा ये पकड़ के डांस कर। अब सब लोग थोड़ा सा हाई है, सब लोग थोड़ा सा ड्रंक है, तो सब लोगों को मजा आने लगा। वो चश्मा मैंने निकाला, दूसरे इंसान को पहना दिया, फिर इस लड़की को पढ़ा दिया, ऐसे करके ना सब लोग, तो एक कॉमन चीज से मैंने सबको यूनाइट कर दिया। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो बुक में भी बात हुई हुई हैं, और अगर तुम्हें लगता है कि पर्सनल एक्सपीरियंसेस और सुनने हैं तो वो भी बता देना। एंड वी विल क्रिएट अ वेरी सेपरेट वीडियो ऑफ व्हाट आर सम ऑफ द अदर थिंग्स दैट आई टेंड टू डू व्हेन आई मीट पीपल, राइट। और बाकी ऑफ कोर्स साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन देना है तो वो तो इस बुक में है ही, कि और क्या-क्या चीजें तुम कर सकते हो। मूविंग ऑन, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग्स जो हम इस सेक्शन में बात करने वाले हैं, भाई पेरेंट्स को कैसे मनाऊं। क्योंकि शिवांश पार्टी तो तब होगी ना जब सारे पेरेंट्स मानेंगे, पेरेंट्स ही नहीं मान रहे। तो देखो पेरेंट्स का क्या सीन है, इतना लाइन लिखी हुई है इसमें बहुत बढ़िया। पापा आईड लाइक टू ड्रिंक विद माई फ्रेंड्स, हाउएवर आई अंडरस्टैंड दैट ड्रिंकिंग कैन बी डेंजरस, हाउ डू आई डू इट मोर रिस्पॉन्सिबली। क्या बोला तूने? तुम्हें लग रहा होगा ना क्या बकचोदी कर रहे हो, अबे कौन बोलता है ये, पागल हो गया, मैं अपने बाप से ये बोलूंगा, उल्टे हाथ का रैप्टा बचते हुआ आएगा। देख दोस्ती ये लग रहा होगा, बट पॉइंट क्या है, हमें समझना होता है कि हम अपनी एज के साथ जब बड़े होते हैं हमारे पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा तो इसे डील कैसे करें। और उनका सबसे बड़ा डर होता है कि यार हम ना एक गलत स्पाइरल में ना चले जाएं। किसी भी चीज़ की उन्हें दिक्कत यह है कि हमें लत ना पड़ जाए और हम अपनी ज़िंदगी ख़राब ना कर दें, दैट्स दी कोर थिंग। और उन्हें समझ नहीं आता कि बीच का कुछ भी कैसे रुके, तो वो फर्स्ट पॉइंट पर ही रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि इस इंसान के आसपास कुछ हो ही ना। अब पॉइंट ये है, सब लोग ना उसी चीज़ को सोच के लड़ते रहते हैं अपने घर वालों से, बट हमें समझना है कि उनका जो खौफ है, जो डर है, वो सबसे नीचे वाला पॉइंट है। तो क्या मैं उनसे बहुत ओपनली जाके रिस्पेक्टिवली ये बात समझा सकता हूँ कि यार मेरे आसपास देखो हर कोई कर रहा है, आप कितना भी बोलते रहो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता, जब मेरे आसपास लोग करेंगे तो मेरे ऊपर एक इन्फ्लुएंस आ सकता है। तो अगर जब वो इन्फ्लुएंस आता है, व्हाट पॉसिबली आई कैन डू कि मैं अगर पी भी लूँ थोड़ी सी ड्रिंक तो भी मैं रिस्पॉन्सिबली कर सकूँ। तो आप एक कंट्रोल्ड फ्रीडम मांग रहे हो, जिसकी वजह से आप एक अपना रिलेशनशिप भी बेटर कर पा रहे हो अपने घर वालों के साथ। आप डिफाइन कर पा रहे हो कि मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि मैं ये मैच्योर बातें कर सकूँ। ठीक है, अगेन दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स। ऐसे घर वालों से और क्या क्या किस किस कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिया हुआ है। बट अब थोड़ा सा स्विच लेते हैं ग्रोनअप्स वाली तरफ, और क्योंकि अल्टीमेटली इंटरव्यूज तो हम सब लोगों ने देनी है ना, या फिर कोल्ड ईमेल्स या स्टोरी टेलिंग हम सब नहीं करनी है, तो हम दो सेक्शंस के बारे में इसमें बात करेंगे। तो वो दोनों जल्दी से खोल लेते हैं। पहला सेक्शन होने वाला है हमारा विच इज अबाउट इंटरव्यूज। एक ना काफी बढ़िया लाइन लिखी हुई है, द ट्रिकी पार्ट इज हेयर इज टू नो हाउ टू लैंड द रिस्पॉन्स, दैट इज योर फाइनल लाइन बिफोर यू क्लोज योर रिस्पॉन्स। जिसका मतलब क्या है, पूरे इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये बन के आ जाती है कि यार आप ओपन अप कैसे कर रहे हो, ठीक है, बट आप हर सेंटेंस का लास्ट लाइन क्या बोलो, क्योंकि इंसान को ना आखिरी चीज सबसे ज्यादा याद रहती है। और अगर उसमें तुम गलत बात करते जा रहे हो, जैसे ऑकवर्ड मोमेंट्स आ जाते हैं, कई लोग क्या है अपने बारे में बता रहे हैं, अब एक मिनट हो गया, अब मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं रुका बीच में कि और बोलूं या ना बोलूं, और वो बंदा सोच रहा है इसका खत्म हो गया नहीं होगा, और एक ऑकवर्ड साइलेंस आ गई। तो अपने को ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या बोलना है एंड व्हाट कुड बी माय ऑब्वियस सेंटेंसेस टू एंड अ कन्वर्सेशन, जहाँ पे हम शायद ऐसा बोल सकते हैं कि यार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव दिस कन्वर्सेशन वंस आई जॉइन दिस कंपनी, या वैसा कुछ करके हम एक एंड कर सकते हैं जहाँ पे सामने को पता चल जाए एंड हो गई। या फिर हम ये पूरी कन्वर्सेशन ऐसी बना सकते हैं जिसके अंदर इंटरव्यू जो ले रहा है हम उस इंसान से कंट्रोल अपने हाथ में ले लें। जिसका मतलब, लेट्स से इफ आई वुड गिव एन इंटरव्यू, आई वुड एंड माय सेंटेंसेस ऑन अ वे
wherein I would know कि ये जो last section है इस पे इंसान सवाल पूछना चाहे. Let's say if I end in discussion, sales interview चल रहा है, मैंने कहा by the way did I tell you about this company जहाँ मैंने 5 लाख रुपए का sales करा zero customer acquisition cost पे. He'll be like you didn't tell me, why don't you go ahead and explain that experience. मैंने वो बताने लगा, आखिरी में बताते बताते by the way this was just a B2C experience but मेरे पास B2B experience भी है आपकी कंपनी जैसा जहाँ पे मैंने co-working spaces 20-20 लाख का बेचा. He'll be like okay why don't you tell me more about it. तो मैं उस इंसान को एक सीरीज में लेके जा रहा हूँ जिन बातों में मैं बात करना चाहता हूँ. तो लैंडिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि शुरुआत तो हम कर देते हैं और फिर हम अपने ख्यालों में खो जाते हैं और हमें पता नहीं होता हमें एंड कैसे करनी है कन्वर्सेशन. एंड दिस इज वन पार्ट ऑफ इंटरव्यू, ऑफकोर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं. और लास्ट बात जो हम उठाने वाले हैं, स्टोरी टेलिंग. क्योंकि स्टोरी टेलिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं. और ये तो बहुत ही एक नई चीज़ सीखी स्टोरी टेलिंग के बारे में जो यहाँ लिखा था. या स्टोरी टेलिंग क्या सीन है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट फ्रॉम आर एवोल्यूशन एरा. जब से हम इवॉल्व हुए हैं तब से एक चीज़ जो कांस्टेंट थी उस टाइम पे, सोच के देखो जब हम फायरमैन मतलब आग वाग जला के बैठते थे, केवमैन थे, कोई टीवी नहीं है, कुछ नहीं, कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, बस कोई इंसान जो कहानी सुना सकता है उसको हम अपनी आंखों के आगे विजुअलाइज करके सोच सकते हैं. तो इसलिए स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ भी हम जिंदगी में करें. तो कुछ ना एलिमेंट्स के बारे में बात करी मुदित ने जो जनरली लोग सोचते ही नहीं है, जो मैं भी जब स्टोरी टेलिंग करता हूँ मैंने सुना ही नहीं है या सोचा ही नहीं है. तो फर्स्ट वॉज फ्रेगनेंस, कि मैं किसी को कहानी बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ इस पे. तो मैं एक कहानी बता रहा हूँ कि यार चार दोस्त गाड़ी में जा रहे थे और जाते जाते पता नहीं दो बंदों के बीच में लड़ाई हुई और एक बंदा गाड़ी से कूद गया, उसे थोड़ी बहुत चोट लगी और सीन खत्म हो गया. एक इसका स्टोरी का दूसरा वर्जन है, यार मैं ना उस दिन दोस्तों के साथ घूम रहा था, अपने 3 लौंडे दोस्त हमने साथ में उठाए और वही दिल्ली की सड़कों पे गेड़िया मारने निकल गए. तो नॉर्थ कैंपस पटेल चौक तुम्हें पता ही है, वहां सब निकले थे, वो कॉलेज एरिया होता है, एक छोटा सा पुलिस स्टेशन होता है आसपास, तो समझ लो उसी के सामने एक सड़क जा रही थी. चारों लौंडे गाड़ी में बैठ के बियर पीते हुए निकल रहे थे और दो लौंडों में हुई बहस शुरू. और साला ऐसा बहस हुई, एक बंदा कहता मैं जा रहा हूँ और गाड़ी खोल के उतर गया, चलती गाड़ी में लपटता हुआ पीछे गया भाई 8 गुलाटियां खाते हुए. और पता है वो कोई और नहीं, मैं ही था. दोनों कहानियों में फर्क देखा? When you add the right amount of details, it helps you paint a picture in the viewer's eye. वो चीज़ करना है, उसके लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज फ्रेगनेंस. लेट्स अगर तुम किसी को मूवी थिएटर का कुछ एग्जांपल दे रहे हो, कुछ स्टोरी बता रहे हो, वी कैन टॉक अबाउट द अरोमा ऑफ बटर्ड पॉपकॉर्न. जैसे तुम ये बोलोगे तुम्हें वो खुशबू याद आ जाएगी सच में. और जनरली लोग स्टोरीज में खुशबू याद नहीं दिलाते हैं, तो दैट वुड बी अ वेरी गुड पॉइंट फॉर यू. सेकंड इज कलर्स, कि यार मैं जाके रेड सीट्स पे बैठा और बैठते ही ना एकदम से सिनेमा जैसे ही होता है ना, जब खाली ब्लैंक हॉल है और एकदम से पहली लाइट आती है वो आंखों में चुभती है एकदम से. यू कैन टॉक अबाउट दैट, कि रेड सीट्स, फ्लैश ऑफ ब्लू लाइटिंग, ठीक है. थर्ड इज डिस्क्राइब द इंटरनल जर्नी, कि यार वो सीन आया और ना मेरी क्या फटी, मतलब मेरी छोड़ो आसपास 4 लोग थे, गूज़बम्प्स आ गए सबको. यू कैन लिटरली सी दैट ऑन देयर हैंड्स. सो यू आर डिफाइनिंग एन इंटरनल जर्नी, कि मेरे साथ क्या हुआ इंटरनली. चौथी चीज साउंड्स, कि यार मैं साउंड को कितना किस तरीके से डिफाइन कर रहा हूं. पांचवा है इमोशन, कि यार मेरा इमोशनल स्टेट उस टाइम पे क्या था, क्योंकि इमोशन जब तक आप खुद का नहीं बताओगे इंसान उस चीज को फील नहीं कर पाएगा. इन सिक्स्थ इज पिच, कि मेरी पिच कैसी थी, मैं कितना कब वॉइस को मॉड्यूलेट कर रहा हूं जब स्टोरी सुना रहा हूं, तेज बोल रहा हूं, धीरे बोल रहा हूं, किस तरीके की मेरी पिच. अगर मैं बहुत डरावनी बात करूं, बहुत सीरियस बात करूं, मैं बहुत शांत हो जाऊंगा, धीरे बोलूंगा. मैं बहुत एक्साइटिंग चीज बोल रहा हूं तो मैं बहुत तेजी से बोलना शुरू करूंगा, ठीक है. तो दोस्त ऐसे 2 सेक्शंस में हमने पूरी किताब को बांट रखा है और बहुत ही बढ़िया चीज़ है. पर अब बात कर लेते हैं किसको पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए. आई थिंक दिस बुक इज़ फॉर एनीवन एंड एवरीवन, जो खासकर अभी स्कूल कॉलेज में है या जो कॉर्पोरेट लाइफ भी जी रहा है, क्योंकि 40 की उम्र के बाद भी ना आपको ये नहीं पता होता मैं अपनी टीम्स को कैसे मैनेज करूं, मैं कैसे गाइड करूं, मैं कैसे स्टोरी टेलिंग करूं. तो इट कुड बी रियली यूजफुल फॉर एनीवन एंड एवरीवन. एंड व्हाई यू शुड रीड इट, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको ना हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हमेशा, बट कम्युनिकेशन इज अकॉर्डिंग टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेट दैट यू कैन हैव. नॉट जस्ट मी, वॉरेन बफे की आपने क्लिप देखी होगी वेरी ही टॉक्स अबाउट दिस. एक लड़की उनसे सवाल पूछ रही है कि मैं अभी कॉलेज खत्म कर रही हूं, व्हाट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आई शुड मेक और व्हाट आई शुड हैव और व्हाट शुड लर्न. ही टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन, क्योंकि अगर आपको अपनी बातें किसी को बोलनी नहीं आएंगी तो दो जिंदगी तो आप जीत ही नहीं सकते हो. आप अपने आइडियाज को कम्युनिकेट, अपने थॉट्स को अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो. सो दस आई थिंक पढ़नी सबको चाहिए. अब लोग ये कहेंगे कि यार ये तो 600-700 की किताब है, क्यों मैं इतनी महंगी किताब पढ़ूं, पिछली तो 150 रुपए की किताब थी. तो दोस्त देख, अगर एक सिंगल वैल्यू भी तुमने इस बुक से सीख ली तो ये वर्थ इट हो जाएगा. बुक्स को भी ये मत तोलो कि उसमें 150 रुपए में क्या सीखा, इसमें 600 रुपए में क्या सीखा. उसको इस तरीके से तोलो कि यार उस 150 रुपए में जो सीखा वो ठीक है, उसको छोड़ देते हैं. इस 600 रुपए में अगर मैं सीख के एक इंटरव्यू क्लियर कर सकता हूं जिससे मेरी 5,000 रुपए एक्स्ट्रा महीने की नौकरी लग सकती है, तो ये वर्थ इट है. एंड दिस इज वन ऑफ द बुक्स आई एम श्योर दैट यू कैन यूज फॉर एवर इन लाइफ वेन एवर यू वॉन्ट, क्योंकि एज आई सेड इन द स्टार्टिंग एक टूल किट है यार, कि मेरे को जब जो चाहिए. मेरा अगर बल्ब खराब है तो मेरे को स्क्रू ड्राइवर चाहिए तो मैं बस स्क्रू ड्राइवर निकालूंगा, मैं पूरी किताब या जाके हर जगह नहीं सोचूंगा. मैं बस डेट पे जा रहा हूँ, उससे पहले ये 20 पन्ने पढ़ूंगा और मेरे को पता है मेरे को दोबारा से एक रिफ्रेशर मिल जाएगा. मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, ये 25 पन्ने पढ़ूंगा, आंसर मिल जाएगा. दैट्स हाउ दिस इज फ्रेम्ड. एंड ऑफ कोर्स इफ यू लव दिस आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू जाके किताब खरीद लो. और चीयर्स.